भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम वैदिकी, उसके पश्चात संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि एक भाषा के बाद दूसरी भाषा अस्तित्व में कैसे आ जाती है। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि किसी भी भाषा को जब व्याकरणिक नियमों में जकड़ दिया जाता है तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और उसके स्थान पर जनभाषा या लोक भाषा के रूप में दूसरा रूप सामने आ जाता है। अर्थात व्याकरण परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से व्याकरण किसी भी भाषा के विकास में बाधक होता है। आज हम हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। देखें, उत्तर भारत की प्राचीनतम भाषा वैदिकी को माना जाता है। वेदों में भी ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शेष वेदों की रचना बहुत बाद में हुई। इन वेदों की भाषा में भी बहुत बड़ा भाषा भेद मिलता है। वैदिक भाषा व्याकरणिक दृष्टि से विकल्प प्रधान एवं संश्लिष्ट भाषा थी। लौकिक संस्कृत के रूप में उसे सरलीकृत किया गया। संस्कृत भले ही संश्लिष्ट भाषा रही मगर विकल्पों को बहुत सीमित कर दिया गया, जिससे संस्कृत के शब्दों एवं धातुओं के रूप में अपेक्षाकृत न्यून एवं सरल हो गए। संस्कृत भाषा व्याकरण के नियमों की कठोरता के कारण जनसामान्य से कट गई। जनसामान्य की भाषा के रूप में पाली एवं प्राकृत के रूपों का विकास हुआ। ब्राह्मण धर्म के ग्रंथ संस्कृत में हैं तो बौद्ध धर्म के ग्रंथ पाली तथा जैन धर्म के ग्रंथ प्राकृत भाषा में हैं। पाली एवं प्राकृत भाषा को भी व्याकरणिक नियमों में बांधने के कारण इनका भी आगे का विकास अवरुद्ध होता गया। पाली एवं प्राकृत का विकास आगे नहीं बढ़ पाने के कारण जनभाषा के रूप में अपभ्रंश भाषा का अस्तित्व में आई। अपभ्रंश भाषा का स्थानीय प्रभाव के कारण शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राचड़, केके, खस आदि भेद किए गए हो गए। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने इन अपभ्रंश भाषाओं का काल 500 से 1000 ईस्वी सन तक माना है। अपभ्रंश भाषा जब व्याकरणिक नियमों में जकड़ दी गई तब आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जनभाषा के रूप में विकास हुआ। यह निर्विवाद सत्य है कि साहित्य रचना तभी किसी भाषा में आरंभ होती है या होता है जब उसका यथेष्ट विकास हो जाता है। वह भाषा भावों के प्रेषण या भावों के वहन करने में पूरी तरह समर्थ हो जाती है। हिंदी साहित्य के दर्शन 10वीं शताब्दी से होने लगते हैं तो यह स्वाभाविक है कि 10वीं सदी से पूर्व हिंदी की उत्पत्ति हुई होगी। हिंदी की उत्पत्ति प्राय यह सर्वमान्य है कि हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई। यहाँ अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है या समझा जा सकता है। अपभ्रंश के विविध रूप और उनसे निकलने वाली आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी, राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी भाषाएं निकली। शोरसेनी के नागर रूप से राजस्थानी, गुजराती तथा पहाड़ी भाषाएं निकली। मागधी अपभ्रंश से बंगला, बिहारी, असमिया एवं उड़िया
अर्धमाग दी से पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री से मराठी, ब्राचड़ से सिंधी, कैके से लहंदा, खस से पहाड़ी भाषाएं। आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास को डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा ने 3 भागों में विभक्त किया है। प्राचीन काल या आदिकाल को सन 1000 से 1500 तक, मध्यकाल को सन 1500 से 1800 तक तथा आधुनिक काल को सन 1800 से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ सम्मत 1050 से माना है। कोई भी भाषा बोलचाल या व्यावहारिक रूप में अथवा साहित्यिक रूप में आने में कुछ समय लेती ही है। उपलब्ध साहित्य व भाषा के रूपों के विकास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अपभ्रंश के साहित्य से सन 800 ईस्वी के लगभग हिंदी के शब्दों का आरंभ हो गया था। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।